यार अगर आप साउथ इंडिया में घूमने के लिए जाने वाले हो और आपको ये नहीं पता कि वहाँ पे जाना कैसे है और साउथ इंडिया में हम क्या क्या घूम सकते हैं, तो ये वीडियो एंड तक देखो, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ओ भाई, तो मैं आ गया हूँ वापस आपसे कुछ बातें करने के लिए इस खुले आसमान के नीचे, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, कुछ खास बातें बताने वाला हूँ साउथ इंडिया ट्रैवल के बारे में। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऐसे लॉजिकली ये वीडियो तो पहले से स्टार्ट हुआ है। खैर चलो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पुष्कर और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है जस्ट फॉर फन। तो मैं गया था साउथ इंडिया में ट्रैवल करने के लिए तकरीबन 10 दिन, और वहाँ पे मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस आए, तो मैंने सोचा कि कुछ टिप्स आपके साथ भी शेयर किए जाए। तो इसमें से पॉइंट नंबर 1, हाउ टू गो। तो आप साउथ इंडिया में अगर केरला में जाना चाहते हैं, एर्नाकुलम में जाना चाहते हैं, कहीं पे भी जाना चाहते हैं, तो आप 2-3 तरीकों से जा सकते हो। पहला, ट्रेन से जा सकते हो, बस से जा सकते हो, या फिर प्लेन से भी जा सकते हो। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अपनी ओन व्हीकल से जाए, तो वो कार हो सकती है या फिर बाइक हो सकती है, लेकिन कार में जाओगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे, तो उससे आप ज़्यादा जगह एक्सप्लोर कर पाओगे, और जहाँ पे बस ट्रेन नहीं जाती है वैसी जगहों पे भी आप जा सकोगे। तो पॉइंट नंबर टू रीजंस आप साउथ इंडिया में क्यों जाना चाहते हैं। तो पहला रीज़न, आप वहाँ का नेचर एक्सप्लोर करने के लिए जा सकते हो, क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत ही अच्छा नेचर है। और रीज़न नंबर 2, आप वहाँ पे टेंपल्स देखने के लिए जा सकते हो, क्योंकि साउथ इंडिया में बहुत ही बड़े टेंपल्स हैं और उस पे जो डिज़ाइन है वो भी बहुत अच्छी है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 3, टेंपल्स इन साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में बहुत ही अच्छे टेंपल्स हैं, जैसे कि पद्मनाभ मंदिर, मीनाक्षी मंदिर और सबसे फेमस बालाजी का मंदिर। तो यहाँ के टेंपल्स की एक खासियत है, यहाँ के मोस्टली टेंपल्स में जो डिज़ाइन है वो लगभग सेम होती है, और सारे मंदिर बहुत ही बड़े बड़े हैं। लेकिन यहाँ के मंदिरों में कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आपको मंदिर में ट्रेडिशनल कपड़े पहनने होते हैं, आपके पास जो भी मोबाइल बैग्स वगैरह हो तो वो आपको मंदिर के बाहर रखने पड़ते हैं। अगर आप साउथ इंडिया में टेंपल्स में जाने वाले हैं तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपका जो भी सामान है वो आप अपने होटल रूम में रखें, तो अगर आप वो वहाँ पे लेके जाएंगे तो आपको वो रखने के लिए चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप तिरुपति बालाजी के लिए साउथ इंडिया में जाने वाले हैं तो मैं आपको हाईली प्रेफर करूंगा कि आप स्पेशल एंट्री का टिकट खरीदें, जो कि 300 रुपये में मिल जाता है, क्योंकि अगर आप फ्री एंट्री में चले जाओगे तो आपको 10 या 12 घंटे भी लग सकते हैं दर्शन के लिए, लेकिन स्पेशल एंट्री में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे लग जाते हैं। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 4। तो जैसे कि आपको पता है कि साउथ इंडिया में इडली, डोसा, उत्तप्पा ऐसी बहुत सारी चीज़ें फेमस है, लेकिन उसके साथ भी वहाँ पे लच्छा पराठा जो मिलता है वो भी बहुत अच्छा होता है, और उसके साथ जो साउथ इंडिया में कॉफ़ी मिलती है ना, तो बॉस आपको वो कॉफ़ी कहीं पे भी नहीं मिलने वाली। तो आप जब भी साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे कॉफ़ी ज़रूर ट्राई करना, रोड साइड में जो भी छोटे छोटे स्टॉल्स होते हैं वहाँ पे आप कॉफ़ी पीजिए, और वहाँ की कॉफ़ी बहुत ही अच्छी होती है। वहाँ पे कॉफ़ी बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, और वहाँ पे कॉफ़ी भी ज़रूर खरीदिए। तो चलिए पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। पॉइंट नंबर 5, साउथ इंडिया के लोग। तो आपको जनरली शॉप्स में साउथ इंडिया में कुछ रूड लोग देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये, अरे उसको हाथ मत लगाओ यार, वो लेना है तो ले लो वरना मत लो, हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अरे मैडम उसको हाथ मत लगाओ यार, गिरा दोगे आप, कैसा करते हो आप, चलो लेना है तो ले लो वरना निकल जाओ। हाँ, और इसके बाद आपको बहुत ही स्वीट लोग भी देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा पोलाइट है और बहुत आपकी हेल्प करेंगे वो लोग, जैसे कि ये। जी हाँ बोलिए, आपको क्या चाहिए? हाँ ज़रूर ज़रूर, यहाँ पे आपको जो सामान चाहिए वो मिलेगा। हाँ हाँ, आप देख सकते हो, आपको जो भी चाहिए वो देख सकते हो, और अच्छे प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जी सही है। तो नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअली ये नेक्स्ट डे है और कल बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था, इसलिए आगे की वीडियो शूट नहीं कर पाया, और मैंने हेयर कट भी करवाया है, तो वो बस चीज़ इग्नोर कर दो।
और हमारे अगले पॉइंट पे आता है, तो आप साउथ इंडिया में एक्सप्लोर कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास खुद की व्हीकल है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, आप अच्छे से साउथ इंडिया में घूम सकते हो। कई जगह पे जो रिक्शा वाले होते हैं वो आपको आजू बाजू का जो एरिया है वो 2-3 घंटे में घुमा के लाते हैं, जो भी अच्छे खासे स्पॉट होते हैं और मंदिर वगैरह होते हैं तो वो आपको घुमा के लाते हैं, और बस 100 रुपीज़ पर पर्सन ये उनका चार्ज होता है। तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और हमारे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, अब आता है हमारा 7th और सबसे आखिरी पॉइंट, शॉपिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने जैसे कि बताया कि साउथ इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अच्छी कॉफ़ी मिलती है, तो आप वहाँ पे कॉफ़ी खरीद सकते हैं। और उसी के साथ मीनाक्षी मंदिर के आजू बाजू में बहुत सारे कपड़ों के शॉप्स हैं, तो वहाँ से आप कपड़े भी खरीद सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो मैं आपको आई बटन में दे दूँगा। साउथ इंडिया में कुछ ऐसे भी शॉप्स हैं जहाँ पे आप 10 रुपये में कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, जैसे कि आपको ट्रैवलिंग के लिए छोटी मोटी जो चीज़ें लगती है वो चीज़ें आप वहाँ पे सिर्फ 10 रुपये में ख़रीद सकते हो। और वहाँ पे जो फूड आइटम्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि आप साउथ इंडिया में अच्छे से खरीद सकते हो और आपको अच्छे खासे रेट में वहाँ पर मिल जाएगी। तो ये कैमरा मुझे थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, तो इसको थोड़ा सीधा करते हैं। तो बस यार, कैमरा भी सीधा हो गया और कैमरा एंगल भी चेंज हो गया। तो बस ये थी एक छोटी सी वीडियो टिप्स के लिए, अगर आप साउथ इंडिया में घूमने के लिए जाने वाले हो। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कर दो वीडियो पे लाइक, कर दो शेयर, कर दो कॉमेंट, और जाते जाते चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो चलिए, मैं निकलता हूँ और आपको मिलता हूँ एक ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।